ठीक लग रहा हूँ, मेरे बाल ठीक है? जबरदस्त। हेलो जी, नमस्कार, वारे चुहा, वेलकम बैक टू रंबा हो। आज बहुत ही टाइम के बाद, आई नो, तो लास्ट टाइम व्हेन वी वेयर ऑन यूट्यूब वो था, आई थिंक हमारा ट्रिप था नॉर्थ का, तो हम अमृतसर गए थे, उसके बाद हम गए थे खजियार गए थे, और उसके बाद वापसी में डलहौजी आते हुए जम्मू आए थे। आफ्टर दैट वी केम बैक टू बैंगलोर एंड some things happened that I would not like to talk about right now, but finally we came to Bangalore and uske baad apne ko covid hua to mujhe covid hua and then uske baad Nitika ko covid hua, fir Kyan ko bhi hua, but acha ye hua ki jaldi recover karke aur now we are out of quarantine, abhi kafi time ho gaya apne ko theek hue hain, to hum finally, maine socha ki ek trip pe aate hain, to Nitika aur Kyan to nahi aaye, but main aur रिमी आए हुए हैं। हाय रिमी। रिमी जिसका असली नाम है रजित। रजित रजित रिमी जो है ये मेरा बचपन का दोस्त है। एक्चुअली हमारे में बहुत एज का डिफरेंस है, हमारे में कोई 10-12 एज का डिफरेंस है, बट 10 दस बट वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जब हम जम्मू में, जहाँ हम अभी रहते हैं ना, जो सो द होम दैट वी हैव इन जम्मू राइट नाउ, व्हेन वी बिल्ड इट एट दैट टाइम वी वर ओनली 3 फैमिलीज लिविंग इन दैट होल मोहल्ला, सो दैट इज़ अ वेरी बिग मोहल्ला एंड राइट नाउ देर आर लाइक 200 हाउसेज, बट व्हेन वी वर देयर जस्ट 3 हाउसेज, सो वी वर वेरी क्लोज। तब से आप दोस्त हैं और अभी भी रिमी ने जॉब वॉब स्टार्ट किया तो ही इज़ इन बैंगलोर नाउ, तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपने साथ लाता हूँ, आई विल शो हिम द ब्यूटी ऑफ साउथ। सो वी आर हेयर, जिसका नाम है कृष्णागिरी डैम, सो दिस इज़ ए व्यू पॉइंट फॉर कृष्णागिरी डैम। बहुत ही बड़ा लेक है ये, एंड आज बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ अपनी बाइक्स लेके, दोनों बाइक्स लेके, तो रिमी चला रहा है मेरी थंडरबर्ड और मैं चला रहा हूँ अपनी होंडा CBR 650R। बहुत टाइम के बाद एक्चुअली इसको बाहर निकाला है, थंडरबर्ड 500। अब आना बंद हो गई है, अब जो आती है वो है मीटियोर। अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपनी नई वाली। इसकी अभी भी मैंने सर्विस कराई, सो सेकंड सर्विस वाज डन एंड द अमाउंट वाज अराउंड 3000, तो इट कुड हैव बीन लेस, इट कुड हैव बीन 2000, बट आई थिंक दे चेंज द ऑयल फिल्टर, इसीलिए थोड़ा सा 3000 तक पहुँच गया, बट स्टिल इट इज़ वेरी चीप, राइट। ये जो व्यू पॉइंट है, मैं जब यहाँ लास्ट टाइम आया था, इट वॉज नॉट दैट ब्यूटीफुल, देर वॉज अ लॉट ऑफ सन, बट राइट नाउ ये पूरा व्यू ना ऐसा लग रहा है वी आर इन अ हिल स्टेशन, बट दिस इज नॉट अ हिल स्टेशन, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। तूने देखा कैसा लग रहा था उसे उस वो ना? स्टार्टिंग वाला बहुत अच्छा था, जब मैं स्टार्ट किया ना, जहाँ पर कोकोनट ट्रीज आ रहे थे, वो रोड बहुत अच्छा था। तुझे पता है तेरी किस्मत है, मैंने ऐसा ही कभी नहीं देखा इतना सुंदर। दिस इज द फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फॉग एंड कोल्ड, बहुत सही लग रहा है। ऐसे ऐसे पॉइंट पे अब हम ड्रोन उड़ाएंगे। अच्छा, ज्यादा आगे नहीं जाए, इसमें मगरमच्छ भी होता है। नहीं नहीं, मैं नितिका को हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, जब भी हम कहीं ऐसे लेक वेक की जगह पे जाते हैं, उसको हमेशा बोलता है मगरमच्छ ऐसे मगरमच्छ। मैं एक्चुअली बहुत फैसिनेटेड हूँ मगरमच्छों से। मगरमच्छ यार सोच, डायनासोर के जमाने से बचा हुआ है, वैसे कॉकरोच भी बचा, बट डायनासोर मतलब क्रोकोडाइल कितना वो होता है, कूल होता है, उसकी आँखें क्या खतरनाक होती है, ग्रीन कलर की। और सबसे सही मुझे क्रोकोडाइल का मतलब जो लगता है, दैट इज़ कि उसका डरावना, मतलब उसका मतलब हाउ मच पावरफुल ही इज़ इन द रिवर इन द वाटर, मतलब शेर को बड़े बड़े जानवर को सट करके पानी में ले जाता है, और उसका डेथ रोल तो पता ना मगरमच्छ का डेथ रोल क्या होता है? नहीं पता। जब वो काटता है ना, हाँ। उसके बाद वो घूमता है। अच्छा, हाँ हाँ करेक्ट। उससे क्या होता है, मान लिया उसने किसी का हाथ पकड़ा एंड ही देन डज दिस डेथ रोल, तो हाथ सीधा बाहर निकल जाता है। वो वैसे ही, सो दीज क्रोकोडाइल्स व्हेन दे आर ईटिंग बिग एनिमल्स, वो ये जब एक मांस का पीस पकड़ते हैं एंड देन दे रोल, तो निकल जाते हैं, निकल जाता है, तो खाते। मुझे यहाँ पर भी लग रहा कुछ है, है ना, इधर ना मुझे भी लग रहा है कुछ, थोड़ा पीछे ही रह गया, पता हो इसमें किसको पता। वैसे वैसे ग्रीन ग्रीन पानी में ही होते हैं ऐसे, मतलब लेक में तो नहीं होना चाहिए इतनी छोटी सी लेक। हाँ मतलब आराम से 100 मगरमच्छ तो रख सकती है लेक। पीछे लगे हैं।
वो देखो हाँ कुछ हुआ. Actually, there are few rivers, lakes around Bangalore जहाँ पे there are a lot of crocodiles. Mekidatu is one area where there are crocodiles. And तेरे को पता है there have been few deaths. So people have gone into the river and they were just swimming. And then crocodile came and took one of the friends. So that is why if you are going to such places, पानी में अंदर नहीं जाना चाहिए. You never know क्या हो सकता है उधर. अच्छा enough about crocodiles now. हाँ तुम जब आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कितने कुछ fish fry की shops थी. तो last time जब मैं इधर आया था ना, तो last time I think बहुत साल पहले जब मैं नितिका मैं और I think मेरी sister भी थी, तब यहाँ पे अगर आप मतलब तो अगर weekend पे आएगा ना और तो बाहर जाएगा देखो पूरे ये फिश वाले मिलेंगे, फिश फ्राई तो एक्चुअली इस डैम से निकालते हैं लोग, फिश निकालते हैं लेक से और वही फ्रेश बाहर मिलती है. तो अगर आप कृष्णागिरी आ रहे हो वीकेंड पे मोस्टली, तो आपको आराम से बाहर रेगुलर टाइमिंग्स में मतलब लंच टाइमिंग के आसपास आपको अच्छे से फिश फ्राई मिलेंगे यहाँ पे. सो लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ आर फिशिंग. तो इसको कोरैकल बोट बोलते हैं एक्चुअली. तो ये सर्कल बोट होते हैं, सो कोरैकल बोट आई थिंक आई एम सेइंग इट रॉन्ग राइट कोरैकल बोट. तो सर्कुलर बोट आई थिंक ये इसी सब से बनती है, ये भूसे से कुछ तो बनती है सूखे भूसे से. एंड दे मेक इट एट होम एंड देन दे यूज इट इन लेक्स. दे कैच द फिश, गो आउटसाइड एंड देन सेल इट. बट तेरे को ऐसा लगता है कि ये लाइफ बेटर है उनकी लाइफ की हमारी लाइफ? मुझे तो लग रहा है इनकी ज़्यादा बेटर है. सो ये मेरे को भी सो सेम थॉट कम्स टू मी एज वेल व्हेन वी आर आउट एंड वी आर इन सच प्लेसेस एंड वी सी द लोकल्स. तो हम ऐसा सोचते हैं कि ना वो लोग क्या सोचते हैं, देयर मे बी थिंकिंग देयर लाइफ इज बेटर, वी आर थिंकिंग देयर लाइफ इज बेटर. आप बताओ आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर लगती है, जैसे गाँव की लाइफ जहाँ सुबह सुबह जाके फिशिंग कर रहे हो, चिल मार रहे हो लेक पे, या ऐसी लाइफ जहाँ पे आप सुबह सुबह उठ के जॉब पे जाते हो? एक्चुअली बहुत लोग मैंने देखा है, सो लॉट ऑफ पीपल कर्स 9 to 6 वाला जॉब. बट ठीक है, मतलब मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा एक्चुअली. मुझे तो आपको पता है मजा आ रहा था, मजा आ रहा है. बोल भी रहा था, मुझे वो लग रहा है कि इफ यू आर एंजॉयिंग योर वर्क देन 9 to 6 लाइफ इज ऑल्सो फाइन. मतलब ऑफ कोर्स कि यू आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू यू कैन ऑलवेज हैव एन ऑप्शन स्टार्टिंग ए स्टार्टअप. एंड आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे बोलना सही नहीं है. ऐसे लोग बोल देते हैं ऑफिस जॉब, चेयर जॉब, बट यार मतलब ये सब जॉब कितनी सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है. सो राइट नाउ जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो आर मेकिंग यू नो फिनेंशियल सर्विस इज़ वेरी ईजी फॉर इंडियन पीपल. ऐसे मैं ओला में काम कर रहा था, तो कैब कितना आसान हो गया है इंडिया में लेना, राइट? ऐसी कितनी सारी चीज़ें, मतलब घर बैठे बैठे ये कितनी सारी ऐप्स है जो घर पे खाना करेक्ट ना. अभी हम क्वारंटीन में थे, वी नेवर हैड टू गो आउट, सब कुछ घर पे आता है. इन इंडिया वी आर सो लकी, विद इन फ्यू क्लिक्स यू गेट एवरीथिंग एट होम, स्पेशली इन बैंगलोर. हाँ, स्पेशली इन बैंगलोर. तो अभी जब हम क्वारंटीन में थे, सब कुछ दवाई लानी है, इतने एक एक चीज, मतलब चॉकलेट लाना है उसके लिए भी पूरा वो बैग में आएगा बंदा, पूरा एक 10 रुपए का चॉकलेट लेके. ओला का सीईओ है, उसने ट्विटर पे लिखा था कि अब जो पैसे मांग रहे हैं टेक्निकल वाले बैंगलोर में, दैट इज मच मोर देन यूएस. अब हमें यूएस से लोग लाने पड़ेंगे जॉब करने के वापस. रिमी बोल रहा है कि टायर कितना डिफरेंस है, ये हो गया इसका टायर थंडरबोल्ट का भी एक्चुअली ठीक ठाक मोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी नॉर्मल है, मतलब बाइक जो हम देखते थे कि बाकी बाइक से कंपेयर करें स्प्लेंडर वो सब काफ़ी मोटा है.
ये तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मोटा है। अभी हम निकलेंगे बाहर तक, बाहर से रिम्मी चलाएगा, CBR इसने कभी चलाई नहीं है तो रिम्मी चलाएगा। फिर पूछते हैं रिम्मी को कैसा, कितना डिफरेंस लग रहा है थंडरबर्ड और एक सुपर बाइक में। ठीक है, यहाँ से निकलें, चलो पुल पे रुकते हैं। अगर पुल पे सुंदर हुआ तो पुल में दिखाता हूँ, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। कृष्णा देवी, कृष्णा गिरी डैम, गिरी। बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ पुल पे बैठे हुए हैं, सामने डैम है, डैम का गेट है बेसिकली, और वहाँ से वो डैम जो पानी छोड़ती है वो इस पुल के नीचे से बह के आगे जाता है। तो ये जो जगह है अभी तमिलनाडु में हम, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, निकल क्योंकि अभी अभी ऑफिस भी है अपना, निकलते हैं कहीं और फिर उसके बाद चाय हाँ, पीते चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। चलो तो अब फर्स्ट इम्प्रेशंस, मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब इसका कोई तोड़ तो है नहीं। स्पोर्ट्स बाइक मीन, मतलब स्पोर्ट्स बाइक का जो मज़ा है वो तो है ही, मतलब पिकअप के साथ ही क्या बोलूँ मैं, मतलब सो तो ऐसे टच करी थी तो मजाक है ये। मतलब तेरा फर्स्ट टाइम है ना सुपर बाइक चलाई? सुपर बाइक तो हाँ, इससे पहले स्पोर्ट्स बाइक तो चलाई है डेफिनेटली, बट सुपर बाइक तो हाँ। बट वही ऐसे टीम पहुँचने का अभी आदत नहीं है, थोड़ा अजीब लग रहा था, बट एनी हाउ स्टेबिलिटी हाँ, मतलब उसमें तो आप रॉयल एनफील्ड से अगर कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छी। अब मैंने बहुत टाइम के बाद चलाई ना रॉयल एनफील्ड अपनी, तो मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले जो मुझे फील हुआ वो था वाइब्रेशन, 80 पे जो ही पहुँचा उसके बाद मेरे पाँव पे, मोस्टली पाँव पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही। एक्चुअली मैं बहुत टाइम के बाद रॉयल एनफील्ड को मैंने हाईवे पे लिया, तो इसीलिए मैं भूल गया था वो वाइब्रेशन कैसी फील होती, क्योंकि होंडा पे बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होती है। तो वो मेरे को फिर से रियलाइज़ हुआ कि कितना डिफरेंस है वाइब्रेशन। दूसरा ब्रेक मारना या हाई स्पीड पे जो स्टेबिलिटी है, correct, correct. इसका उसका तोड़ ही नहीं है होंडा के सामने तो बिल्कुल कुछ मतलब नहीं है। मैं अगर 100 पे भी अगर जल्दी ब्रेक मारूं हाँ, तो उसी वक्त दुख जाएगी। मैं रॉयल एनफील्ड पे भाई 10 बार सोचूंगा इतनी तेज तो नहीं मारूंगा डेफिनेटली। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो था इसका पोस्चर, हाँ इतना आराम आता है ना, मतलब आप मतलब देख भी सकते हो दुनिया और बाइक भी चला रहे हो। और सही बात है, उसमें उसमें क्या होता है, उसमें पूरा होंडा मतलब जो है उसका पोस्चर, उसमें आपको पूरा फोकस करना पड़ता है। मतलब मेरे को 10 मिनट में ये भी मुझे लगता है दर्द होना शुरू हो गई है ना, दर्द होना शुरू हो गया, मुझे भी हो गई, मुझे तो इसमें बड़ा आराम आ रहा था, बिल्कुल मस्त। तो बहुत मज़ा आया आज, हमने बहुत ही चिल किया और वेदर ने अपना साथ दिया तो और ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर और फिर ऑफिस का काम। तो रिमी थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑन योर कमिंग ऑन यूट्यूब। तूने सोचा था कभी तो यू ऐसे आएगा रंबा हो गए? नहीं सोचा तो था सही है, ऐसे बड़ी बड़ी सोच रखूं। चलो बढ़िया, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। चलो बाय।